नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बीजेपी के नेता जसवंत सिंह की, जो आजकल एक राजनीतिक तूफान में घिरे हुए हैं। ये केवल सावन की बूंदाबांदी है या आने वाली राजनीतिक सुनामी का एक संकेत? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं जसवंत सिंह से ही सीधी बात। जसवंत सिंह जी, आप बताइए, ये तूफान है या सुनामी है? जी देखिए, आप कह रहे हैं तूफान, सावन की बूंद है, सुनामी, तो इसमें तो बहुत कुछ घिर गया। क्योंकि तूफान, मैं तो मुझे रेगिस्तान में तो तूफान कई बार आता है, जहाँ के आप आंधी आती है, तो मैं तो घिरा हुआ महसूस नहीं करता। पर आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि हमारे जो भारत की जो राज डिप्लोमेसी थी, ये जो हमारे सीक्रेट चीजें थी, वो सब निकल जाती थी बाहर। उस मुद्दे को इतना सीरियसली लगता है आपकी पार्टी ने भी नहीं लिया। ये ठीक नहीं, रूलिंग पार्टी तो लेती नहीं वैसे, क्योंकि आपने चार्ज लगा दिया उनके। नहीं, मैंने उन पे आरोप नहीं लगाया, उनको चेतावनी दी है, उनको वही बताने का मैंने एक प्रयत्न किया है कि देखिए, इस घाटी में से आपकी पार्टी 95 से गुजरी है, मुझे लगता है आप उसी घाटी में फंस रहे हो। सवाल सीधा है, जवाब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को देना है। आपकी बिरादरी सवाल मुझसे पूछ रही है, वो भी पहली बार देखा है लीडर ऑफ अपोजिशन से सवाल पूछे जा रहे थे किसी, और आपकी पार्टी भी आप चुप करके बैठी थी। पर सवाल जी, आपने इतना बड़ा जो आरोप लगाया, आपको लगता नहीं कि सरकार में आप रहे तो किस तरह से सिस्टम ऑपरेट करता है, कितनी पेनेट्रेशन है, कितनी घुसपैठ थी लोगों की, तो इसके ऊपर कुछ डालेंगे? बिल्कुल, इसमें, और ये बिल्कुल सीधी बात है। एक तो सवाल जो पूछना है, जो सवाल पूछा गया है, जिस सवाल का जवाब देना चाहिए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देना चाहिए। सवाल सीधा है, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के नाते ये कह रहे हैं कि 95 में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या कोई खुफियागिरी या कोई किसी किस्म का इन्फॉर्मेंट नहीं था, या अमेरिका को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी, या इन्फॉर्मेशन नहीं गई? दूसरा सीधा सवाल है, क्या 95 में माननीय प्रधानमंत्री जी को ये जानकारी है या नहीं, जिस सरकार में वो वित्त मंत्री थे, वो परीक्षण अणुपरीक्षण की तैयारी में कर रही थी, तैयारियां हो चुकी थी? तीसरा सवाल कि क्या उसमें अमेरिकन दबाव आया था कि परीक्षण न किए जाएं? चौथा सवाल मैंने हाउस में पूछा, उनको बड़ी आपत्ति हुई। क्या ये सही है या गलत है कि बतौर वित्त मंत्री जिस सरकार में माननीय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, आपको सलाह में लिया जाता था या नहीं लिया जाता था? उसके आगे सीधा सवाल है, क्या आपने अणु परीक्षण के बारे में सहमति जताई या आपत्ति जताई? और क्या ये सही नहीं है कि तैयारी पूरी हो चुकी थी, जैसा वेंकट रमन साहब ने कहा था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के दिनों में दो बार तैयारी हुई, 1881 में भी हुई, हाँ, और एक बार तो स्वयं शाफ्ट में उतरे थे। नहीं, आप कहना चाहते हैं कि जो वित्त मंत्री थे उस जमाने के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब ये कहना चाहते हैं कि उनको भी कंसल्टेशन किया गया था, अब ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं, क्या उन्होंने विरोध किया था उसका? मैं यही एक ही सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वित्त मंत्री के नाते आपसे सलाह मशवरा हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो एक प्रश्न उठता है अपने आप में, और अगर हुआ तो आपने क्या कहा? हमने हाउस में पूछा कि भैया आपने विरोध किया था या नहीं किया था, तो वो अचानक बौखला गए, खैर हमने छोड़ दिया उस मसले। तो आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी है जो आपको पता है? जी है मेरे पास, कि उन्होंने विरोध किया या नहीं किया, इसके बारे में आपके पास जानकारी है कि उनका विरोध था, उसको आवरण दे रहे थे एक वित्तीय आवश्यकताओं का या कठिनाइयों का जो हो सकती थी। सवाल सीधा है, आपने बड़ा सीरियस चार्ज लगा दिया, आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते, वित्त मंत्री के नाते, आपका कहना यह, अगर ठीक समझा मैं, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे वो इस परीक्षण के खिलाफ थे वित्तीय कारणों के। वो किन कारणों से थे उनमें से? पर उसके खिलाफ थे, ये तो कह रहे हैं आप? यहां मैं कह रहा हूं, मैंने हाउस में कहा है। तो इसका मतलब ये हो कि जो अभी जो ट्रीटी साइन किया उसके ऊपर वही कारण हो सकते हैं फिर? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री हो जी, मैंने जो हाउस में कहा, सदन में कहा, वो यही कहा कि 95 में क्या हो रहा था, परीक्षण होने वाला था, परीक्षण रुक गया, परीक्षण की जानकारी अमेरिकनों को मिल गई थी। 95 दिसंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था कि सैटेलाइट सर्वेलेंस से आपको पता चल गया। ये भी सही है कि 95 में मैं जैसलमेर पोखरण का रहने वाला, चाहे जितनी भी हो हमको पता चलता है कि पोखरण में क्या हो रहा है, रेंज में जो काम करेंगे रेंज अफसर, बाकी
हमको मालूम था कि 95 में तैयारी हो रही है, हम चुप रहे। और तैयारी हो जाने के बावजूद जब परीक्षण नहीं हुआ, और परीक्षण के यंत्र में पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, परीक्षण के यंत्र कितने महीनों तक पड़े रहे थे वहां। खैर ये अन्य बातें हैं, प्रधानमंत्री जी ने विरोध किया या नहीं किया, और जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने समर्थन किया या विरोध किया, क्योंकि जो परिस्थिति 95 में थी उसका एक किस्म से पुनर्जन्म हो रहा है आज के दिन। हम जो करार, जिस करार पे हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, उन दिनों में CTBT का हमला था, आज उसी को दूसरे रास्ते से अमेरिका हमारे पास एक बायलेटरल टेस्ट बैंक के रूप में ला रहा है, फिसाइल मटेरियल के रूप में ला रहा है। ये जासूस की बात आप जो बार बार इन्फॉर्मेशन की, जो मैंने आपसे पूछा, आपने सवाल इतने उठा दिए, जैसे मैंने काफी सारे सवाल पूछे आपने भी काफी सारे उत्तर दिए। मैं ये पूछा था क्योंकि आप सरकार में रहे, ये जो ऑपरेशन चलता है कि बाहर की सरकार, पर्टिकुलर US की सरकार जो है, किस कितना सीरियस पेनेट्रेशन, कितना घुसपैठ थी, कैसे करते हैं ये लोग, अफसरों को फंसाते हैं, राजनेताओं को फंसाते हैं, क्या करते हैं ये लोग? इसमें आप देखिए, आप रोमांटिसिज्म में डूबे हुए मत रहिए। अगर अमेरिका आज के दिन यूनाइटेड किंगडम में इस किस्म की खुफिया जानकारी लेने को आतुर रहता है, वहाँ आपस में थोड़ी तकरार इनकी हो जाती है, आज के दिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी से किसी अफसर को वापस भेजना पड़ता है आज के दिन, क्यों? क्योंकि वो कुछ खुफियागर्दी कर रहे थे। अगर RNW के अफसरों को प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो वो क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के साथ कुछ कर रहे हैं। RNW सीधा प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़ता है। अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिकॉर्ड चले गए, चोरी हो गए, अब हम उस डिटेल में नहीं जाते, आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर ये कहते हैं कि हमारे जो आणविक परीक्षण या न्यूक्लियर प्लांट से उन पे टेररिज्म का खतरा है, फौजों में टेररिस्ट घुस रहे हैं, इसके बाद भी सफाई देनी पड़ेगी कि इस किस्म की कार्रवाई चलती रहती है, उसके बाद भी प्रधान जी हाउस में न कहें और हाउस से बाहर जाकर के एक प्रोटेक्टिव सर्कल में सारे प्रेस को कहें क्या क्या कहते हैं कि हम किस स्तर तक चले जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। स्टूपिंग सो लो बीजेपी लीडर्स, वो जो सेंटेंस, इसका हम क्या उत्तर दें? एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्टूपिंग सो लो, हाउस में क्यों नहीं बोले? अगर हाउस में बहस हुई है वहां बोले नहीं है, वहां उन्होंने क्या कहा है मेरे बारे में, मुझको दोहराने की जरूरत नहीं है, बाहर आकर के क्या कह रहे हैं, वो क्या स्टूपिंग हाई होता है? आप एक ऐसे मंत्री रहे हैं जो डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरन अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, अभी प्रणब मुखर्जी एक ऐसे हैं जो ये 3 पोस्ट पर रह चुके हैं, उसके अलावा मेरे नॉलेज में है नहीं 25 साल की, तो आपको सिस्टम का पता होते हुए भी आपने प्लग करने की कोशिश की होगी? बिल्कुल सीधा है, आपको परिणाम सामने आ गया। अगर हमने प्लग नहीं किया होता और अगर हमने इसको पूरा इसका इतिहास नहीं बनता होता तो आज 98 का जो परीक्षण हुआ वो परीक्षण सफल परीक्षण बिना किसी को कोई जानकारी के नहीं होता। मैं एक और उदाहरण दूंगा, हाउस में दिया, 1974 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कराया, उन्होंने भी ऐसा एहतियात बरता था, 80-81 में नहीं बच सके, 95 में नहीं बच सके, उसके पीछे हमको सीखना चाहिए। और जसवंत सिंह जी, वो बात आपकी ठीक है, पर 95 से लेकर के जब आपके पास ये लेटर आया जिसने भी दिया, आप उसका नाम लेना चाहें, और 98, उस बीच में आप भी एक जो नॉन ट्रैक टू कंट्रोवर्सी चैनल होता है उसमें आप भी बड़े एक्टिव थे, ऐसा मैंने रिसर्च करने के बाद ट्रैक टू में नहीं था, ट्रैक टू नहीं, परंतु क्या मैं अमेरिकनों से बातचीत करता था? जरूर करता। तो आप भी अमेरिकनों से मिलते थे और उनसे खबरें लेते थे या खबरें उनसे एक्सचेंज क्या करते थे? मैं पूछूंगा जरूर आपसे, पर एक छोटे छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता जसवंत सिंह जी से। आप सवाल बहुत खड़े जवाब कह रहे थे, आपसे एक सीधा स्पष्ट सवाल पूछते, सीधी बात करना चाहता हूँ। आपने, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप में वो, मैं हिंदी भाषा या गांव की भाषा का प्रयोग करूं, कि दम नहीं है कि नाम ले दे किसी का, आप डर रहे हैं, सीधी सी बात है। दस जी कार्य बात नहीं, शालीनता रहे। हमने कहा देखिए, एक गांव के अखाड़े के उसमें उस शैली में बात मत करिए। एक प्रधानमंत्री मेरे मुल्क का, अब जो भी है जसवंत सिंह है तो भी आज हमारे पास भी एक होता है, प्रतिपक्ष का नेता हूँ। आप सीधी बात कर रहे हैं तो मैं भी सीधा पूछता हूँ और प्रधान जी से पूछता हूँ। भाई थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने जाए और जो रिपोर्ट लिखाने आया उसको थानेदार कहता है, अभी बता तो सर तेरे घर किसने चोरी की है? वो कह साहब डाका पड़ रहा है। वो कहता है अरे बता बता डाका किसने डाला, पहले नाम बता। ये क्या तरीका है?
प्रधानमंत्री जी को हम कह रहे हैं चौकन्ने रहिए, चेतावनी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं 95 में क्या हुआ था। मेरा काम जासूसी का नहीं है, हम मेरा फर्ज जो है मैं सरकार को, सरकार ने उसको बिल्कुल उल्टा पकड़ा है। प्रधानमंत्री से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? प्रधानमंत्री ने आपको चैलेंज दिया, आप प्रधानमंत्री को जैसे आपने पहले क्वेश्चन उठाया कि वित्त मंत्री के नाते क्या किया, तो अभी क्या है? वो कहते हैं जब तक जनता विल डिसाइड पब्लिक विल जज, तो आप एक पब्लिक की आप नाम नहीं बताना चाहते तो पब्लिक विल जज, तो आपका क्या सवाल है उनके लिए? ये तो पब्लिक थानेदार को जज करे, उसका क्या क्या जवाब देगी पब्लिक, किस बात को जज करेगी? पर आपने तो प्रधानमंत्री से कुछ मांगा ही नहीं ना, ना तो आपने इन्वेस्टिगेशन की मांग की, ना आपने कुछ और इंक्वायरी की बात की, ना आपकी पार्टी ने कोई उनके ऊपर चार्ज लगाया। देखिए चार्ज लगाना, परोक्ष रूप से मांगना, मैं क्या मांगू जब आपको स्पष्ट दिखा दिया, शीशा दिखा दिया, देखिए ये 95 में हो रहा था। आप चेत जाइए सन 2006 में, इसको मत दोहराइए। तो प्रधानमंत्री कह साहब जो 95 में हो रहा था उसका हमको जरा वो तो दो, किसने जुर्म किया, कत्ल करके चले गए लोग, परीक्षण रुक गया, परिणाम सामने आ गए, तो कह रहे नहीं भाई तुमने सर जो काटा जरा टेढ़ा काटा, एक बार फिर काटो। प्रधानमंत्री का रिएक्शन आपके लेटर के ऊपर क्या है? प्रधानमंत्री को मैंने आपने इंक्वायरी तो की नहीं, आप प्रधानमंत्री से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जी मैं प्रधान जी से अपेक्षा करता था कि वो सीरियसली हमसे बैठ के बात कर लेते। शुरू शुरू में अगर एक मिनट आप मुझे दें, शायद ये 21 तारीख को मेरी किताब बुक स्टैंड में आई, 24 को शायद किसी अखबार नवीस ने प्रधान जी ने किसी प्रधान जी से किसी जलसे में पूछा, तो प्रधान जी ने सीधा हम पर कहा कि तो उसमें शालीनता हो और हिम्मत हो, तो साहब वो आप बता दे। तो हमको किसी ने कहा, तो पहले तो हमने इसको हल्के में टाल दिया, हमको बड़े प्रेशर में होंगे, कोई टेंशन होगा, 10 नंबर का होगा, पता नहीं कहाँ का टेंशन है, तो हमने उनको टाल दिया कि आई एम नॉट गिवन टू इंडिसेंट एग्जाम, बिना वजह हम इधर उधर पेट उघाड़ते फिरे उसको मैं करता नहीं। फिर हमने कहा भाई गांव के अखाड़े की शैली में बात मत करिए। फिर हमने हमारे सहयोगी जो हैं, जो हमारे कामकाज में मेरा मदद करते हैं, मेरी मदद करते हैं, उनको कहा भाई तुम जरा प्रधानमंत्री जी के यहाँ टेलीफोन करके समय लेनों में जाके उनको मेरे पास जो कुछ है उनको दे दूँ, समझा दूँ क्या महत्ता है। तो उन्होंने टेलीफोन किया तो वहाँ के प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने फरमाया अभी 5 मिनट में हम जवाब देते हैं। 5 मिनट की 5 घंटे हुए, 12, 24, 48 करीब 60 घंटे होने आए, तो हमने उनको कहा भी एक चिट्ठी लिख के पूछो। उन्होंने चिट्ठी लिख के पूछा कि बेटे वक्त चाहिए, शायद आप भूल गए, उसमें भी इसी तरह। फिर मुझे दिल्ली से बाहर जाना था तो हमने कहा भाई देखो अब छोड़ दो, अब वो शायद मुझे मिलना नहीं चाहते, तो मैंने ऐसा ही पत्र लिखा कि शायद आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, आपको मिलने में मेरी असुविधा है तो आप दीजिए, ये मेरी जानकारी है मेरे पास। मुझे लगता है कि उनको अखर गई, अब उनको लगा कि साहब ये सारी जानकारी मुझे पब्लिक करनी पड़ेगी, क्योंकि देर तो वो चुनौती दे रहे थे कि तुम करो हम खम ठोकते हैं। अरे भाई हमको खम ठोकने की शैली में ये बातचीत, खम ठोकने की शैली की नहीं है, और ये बातचीत ऐसी भी नहीं है कि आप कहें कि किस स्तर तक हम उतर गए, ये तू मेमे का दंगल नहीं है। मुझे सबसे बड़ा खेद यही है, भारत का प्रधानमंत्री ने इतनी महत्वपूर्ण बात को एक तू मेमे में बदल दिया, और वो भी हाउस से बाहर जा करके, क्या जरूरत थी? तो आप दंगल तक के लिए तैयार थे हाउस के अंदर? अरे दंगल, हम दंगल के तैयार नहीं हैं, चाहे जो कुछ भी हो, मैं पद के गरिमा की रक्षा करने के लिए मेरी भी शपथ ये। आप प्रधानमंत्री से चुनौती देंगे कि वो कहें कि नहीं था कोई? मैं कह रहा हूँ ना, अभी आपसे कहा, मैं फिर दोहराता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी आप बहुत ही उज्ज्वल चरित्र के और बहुत ही एक सज्जन पुरुष हैं, मैं गांव की शैली में आपकी हिम्मत को चुनौती नहीं देता, मैं नीचे स्तर पे नहीं जाके कह रहा, मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, आप हमको साफ कह दीजिए, देश को भी जज करने दीजिए, आप कह दीजिए कि उन दिनों में कोई नहीं था इस किस्म की जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री के दफ्तर में, कोई कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद अपने आप परिणाम आगे बढ़ेंगे, मैं कौन हुआ साहब, हमारा तो किताब में सच बता दीजिए, आपको पता है कि नहीं? अरे साहब हम तो कह रहे हैं हम कौन हुए, उसमें हमने किताब में लिखा क्यों है पहले? किताब नहीं, आप इधर से उधर जा रहे हैं। अच्छा, इधर से लोग कहते हैं कि आपको पता कुछ नहीं है, आप जिंदा छोड़ दिया आपने। ये सब तप्रताप रघुराई नाथ कछु भोर प्रभु, हमें ऐसा कोई अहंकार नहीं।
नहीं, पर आपको पता है कि नहीं? अरे भाई, जो हम कर रहे देश को आपने एक चला दिया, जैसे ये कहा कि आपने कोई स्ट्रिप्टी द्वारा भाषा प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं अभी कुछ देने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। नहीं नहीं, पर इम्प्रेशन आपने ये दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया। जो शब्द है मोल का, वो भी आप लोगों का प्रयोग है। आप ही की बिरादरी ने इस शब्द को इजाद किया। आपने इन्फॉर्मल लेटर में लिखा, जो प्राइम मिनिस्टर के जो लेटर में आपने लिखा है, उसमें आपने क्लियरली लिखा है कि मैं आपको, विद इन कोट लिखा है आपने, हैंड ओवर टू यू पेपर्स इन कनेक्शन विद एन इन्फॉर्मेंट इन द पीएमओ। वो उनको दिए नहीं। इन्फॉर्मेंट आपने वर्ड यूज किया, इन्फॉर्मेंट मोल नहीं होता। इन्फॉर्मेशन घर का भेदी समझ लीजिए आप। घर का भेदी कुछ हद तक हो सकता है, और एक था दो था, मैं उसमें दो लागू क्या था, सीनियर जूनियर दोनों। उसमें इन्फॉर्मेंट ब्रैकेट एसबी है। हाँ। तो आप अगर इसमें तो नहीं, आपने उनको बताया होगा, पर ये लोग जानना चाहते हैं कि आपने कहीं कहा कि लोग प्रधानमंत्री, अरे लोग प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई नहीं था, प्रधानमंत्री कहाँ कार्ड नहीं था, आप चैलेंज दे रहे हैं। अभी तक उनका आशय क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई था। नहीं, ये नहीं कह रहे कोई नहीं था, वो ये कह रहे हैं कि आप ही बताइए। तो आपको वैसे आइडिया है कि कौन कौन था? मैं ये पूछ रहा हूँ, टेस्ट क्यों रोका गया? कैसे रोका? क्यों रोका? 95 का टेस्ट जब बोर होल तैयार हो गया, क्यों रोका? और सरकार में वित्त मंत्री थे। सरकार में वित्त मंत्री थे, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो सरकार में वित्त मंत्री, क्या वो कह रहे हैं टेस्ट की तैयारी नहीं थी? नहीं कह रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने टेस्ट का समर्थन किया, विरोध किया? नहीं जवाब देते। सवाल ये है कि इस वक्त सवाल तो वो है प्रभु भाई, जो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल है। नहीं, आप जो पहली बार इंटरव्यू में आपने कहा था कि जो आज नीति जो तय की है, परमाणु नीति जो एग्रीमेंट साइन किया है, उसका रिफ्लेक्शन उस इन्फॉर्मेंट ने दिखाया था अपने लेटर के अंदर। अब ये सवाल उठ रहा है, ये था कि नहीं था, आज एक अखबार में छपा था कि नहीं है। ये सवाल ये पूछना कि वो था या नहीं था, ये जिम्मेदारी आज के प्रधानमंत्री की बनती है ये कहना, इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं। आप कह दीजिए कोई नहीं था, तो साथ में ये भी बता दीजिए फिर कैसे रुका वो, कि 95 का टेस्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ थी, बात और क्यों नहीं हुआ? वो एक जो शेर है, आप अपने मूल तय बहता है कि उस जमाने में इन्फॉर्मेंट थे, ऑफ कोर्स, और आज भी हैं। आपने आज में, आज का उदाहरण मैंने जैसे कहता हूँ, कितने सारे लीकेज हो रही है, इतना सारा। अगर वो कोई लीकेज नहीं होती तो अमेरिकन को उनके मंत्र यहाँ के मिनिस्ट्री से क्यों भेजा गया? हमारे R&AW में ऐसी लीकेज क्यों है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब क्यों फरमा रहे हैं कि वो अमेरिकन हमारे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उन पर हमला हो सकता है, या फौजों में लोग घुस गए? चारों तरफ तो आप ऐसी बातें कहें, और फिर आप कहें कि नहीं, हम तो बिल्कुल लोहे की चारी चार दीवारी में बैठे हैं, मजाल है कोई चिड़िया भी अंदर आ जाए। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई रही है? अरे, हमारी क्रेडिबिलिटी है नहीं है, हमको उसका नहीं है। हम जो सही, हमने जो कहा है बिल्कुल, हमारे बिल्कुल हमने सही बात कही, उसमें कोई लाज लगाम नहीं। आप ये मान के चले कि आपके पास नाम नहीं है कोई देने के लिए, आप जो चाहें आप माने, जो मुझे मुझ पर छोड़ दीजिए, जो मैं मानता हूँ। आपको पता तो है ना? नहीं, मुझे नहीं, इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। इससे ज्यादा मतलब नाम के बारे जो कुछ आपने लिखा है, इससे ज्यादा कोई जानकारी मेरे पास जानकारी नहीं। जो मैंने पूछ रहा हूँ उन सवालों का जवाब देना प्रधानमंत्री का काम। आपका कहना है कि अगर इंक्वायरी करें तो शायद नाम निकल सकता है? अब जरूर आएगा, अगर वो सीरियसली इस बारे में सोचें, और सोचने के बाद जरा देखें अपने इर्द गिर्द। तो आपकी मांग ये है प्रधानमंत्री से कि इंक्वायरी करिए तो नाम आपको मिल जाएगा? मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अगर आप जांच करेंगे तभी तो मिलेगा, बिना जांच करें जसवंत सिंह को गाली दिए जाओ। अगर सरकार के ऊपर, क्या आप चाहते हैं कि सरकार को इंक्वायरी करे? मैं सरकार पर इंक्वायरी नहीं, मैं सरकार इंक्वायरी करे। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूँ सरकार बहुत गहराई से, गंभीरता से विचार करके इस बारे में जांच करे। जांच इसलिए करे, आज हम उसी घाटी में से फिर निकल रहे। जसवंत जी, फिर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना, भाई कि आप जांच करने पर लगता है आपको जांच करेंगे तो इन्फॉर्मेंट्स के नाम उनको मिल सकते हैं? जरूर मिलेंगे, अगर वो गंभीरता से और ईमानदारी से जांच करेंगे, इस लक्ष्य से कि ऐसी जांच होने से भारत का हित है, ताकि आगे हम ऐसी गलती ना करें, तो निश्चित रूप से उनको सही नाम मिलेंगे। और अगर वो मिलते हैं तो साथ साथ आज के प्रधानमंत्री जी, तब के वित्त मंत्री जी, इन बातों का भी जवाब दें। तो मैंने बार बार नहीं दोहराना चाहता। हाँ, टेस्ट क्यों नहीं किया इसका? अब क्यों नहीं किया टेस्ट, जब टेस्ट की तैयारी? आप, क्योंकि आप जिम्मेवारी आपके ऊपर डाल रहे हैं, आपने अब उनके ऊपर डाल दी, क्योंकि आपको इसका, मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूँ कि आपकी क्रेडिबिलिटी। अरे भाई, हमारी क्रेडिबिलिटी, वो बहुत बड़े आदमी है साहब,
एक सीट उनके पीछे थे सरकार में, प्रधानमंत्री जी के साथ ही थे, नहीं हमारी कोई फीत नहीं है, तो हमारी कोई फीत नहीं, तो उनकी कई फीते हैं, यहाँ तारे लगे हैं, नहीं फीते तो आपने लगाए ना आर्मी में, आप वो तो कहीं रहे नहीं है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और जसवंत, इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।